नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। धौलपुर सदर थाना क्षेत्र के दुबरा गांव के मोड़ के पास आलू खुदाई कर लौट रहे मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। दुर्घटना में 5 महिला समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इसके साथ ही करीब आधा दर्जन मजदूर चोटिल भी हुए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहाँ चिकित्सकों की टीम द्वारा उपचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मनिया थाना क्षेत्र के विप्रपुर गांव निवासी एक दर्जन से अधिक महिला पुरुष मजदूर गांव दुबरा में आलू फसल की खुदाई करने गए थे। देर शाम सभी मजदूर ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर घर के लिए रवाना हुए थे, लेकिन गांव के निकट ही मोड़ पर ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। दुर्घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई। दुर्घटना को देख स्थानीय लोग मौके पर पहुँच गए, जिन्होंने फंसे हुए मजदूरों को ट्रॉली से बाहर निकाला। एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती करवाया। घायलों में 3 महिलाओं की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। दुर्घटना में करीब आधा दर्जन मजदूर चोटिल भी हुए हैं। उधर घटना की सूचना पाकर स्थानीय सदर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। संवाददाता ओम प्रकाश वर्मा की रिपोर्ट। क्या बात हुई? काम करते आ रहे थे दुबरा से। आप क्या काम करते हो? आलू बीनते हैं। ठीक है, फिर? फिर वो मालिक था, वो बहुत नशे में था। अच्छा, तो हमने उससे मना भी करी थी, भैया आराम से ले चल ट्रैक्टर। अच्छा, लेकिन उस माना ही नहीं था, उसने एकदम रेस दी, सुई पंट गया था वहीं पे, मोड़ था दूबरा का मोड़। अच्छा, आप कितने लोग थे वहाँ? 20। आप कहाँ के रहने वाले? बीपरपुर। आपका नाम?